हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक एंड हेल्दी बाइट्स। आज मैं आपको एक इंस्टेंट पिकल की रेसिपी बताने वाली हूँ विच इज़ हेल्दी एंड डिलिशियस टू। बट बिफोर दैट, सब्सक्राइब टू माय चैनल क्विक एंड हेल्दी बाइट्स। अब जो लोग हम अकेले रहते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दैट डिफिकल्ट हो जाता है कई बार नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में पिकल डालना। तो अभी बिकॉज रॉ मैंगो का सीजन है, तो मैं रॉ मैंगो का ही पिकल डाल रही हूँ। तो मैंने अराउंड 4 रॉ मैंगोज को ग्रेट कर लिया है कुछ इस तरह से, और इसे हम ये कढ़ाई में डालेंगे। तो ये जितना 4 रॉ मैंगोज मैंने इसे कढ़ाई में डाल के थोड़ा हम इसे इसका जो पानी है थोड़ा सुखा देंगे। साथ में ही हम इसके गुड़ डाल देंगे। तो जितना हमने मैंगो लिया है उतना ही हम गुड़ भी डालेंगे। तो मैंने जितना रॉ मैंगो लिया है उतना ही मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी गुड़ के पानी में हम इसे पकाएंगे। बहुत टाइम नहीं लगेगा, इट विल टेक हार्डली 2 to 3 minutes। आप इसको शुगर में भी बना सकते हैं, बट आई प्रेफर जैगरी, तो मैं जैगरी में बना रही हूँ इसे। अब बस हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है और इसका थोड़ा पानी सूख जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। मीडियम फ्लेम में रखें आप इसको एंड इस तरह से चलाते रहें। ये देखिए, इसमें बॉईल आ रहा है और हम बीच बीच में इसे स्टर कर रहे हैं। तो इसके साथ में इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। अराउंड 1 teaspoon सॉल्ट डाला है मैंने इसमें, और 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। हाफ अ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अब बस इसे ऐसे स्टर करते रहे। आप देख सकते हैं इसका पानी कैसे ड्राई हो रहा है। बस इसी तरह से ये मेल्ट भी हो गया, बिकॉज ये ग्रेट किया हुआ है तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा इसे ग्रेट पकने में, कुक होने में। बस इसका थोड़ा पानी जो है ये थोड़ा और सूख जाए, बस ये रेडी है फिर। तो मुझे हार्डली 10 minutes भी नहीं लगा ये बनाने में। तो आप देख, मतलब दिस इज रियली वेरी क्विक। एंड कुछ अगर आपको अभी पिकल चाहिए या एनीथिंग, अगर आप इस तरह का कुछ बना के रख सकते हैं सो दैट कभी भी अगर सब्जी नहीं है या कुछ नहीं भी है तो एटलीस्ट यू हैव दिस। एंड आप इसके साथ चपाती या मठरी, कोई भी चीज़ के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। एंड इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज ये खट्टा मीठा रहता है एंड इसमें हल्का तीखा दिया है हमने, तो वो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसे बस हम करके बस ये हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने पे आप किसी भी कांच के जार में, ग्लास के कुछ इस तरह के जार में, या फिर सिरेमिक के जार में ठंडा होने के बाद इसे निकाल के बंद करके रख दें। आप इसे रेफ्रिजरेट करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। बाहर भी ये टिक जाएगा, बट अगर आप रेफ्रिजरेट करके रखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा दिन तक लास्ट करेगा। तो आई यूजुअली प्रेफर कि मैं इसे रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। अभी आप इसे बस इंजॉय कर सकते हैं। So hope you enjoyed the recipe for this quick and healthy pickle, and if you prepare it, do not forget to leave your feedback in the comment section below. Stay tuned for more such healthy recipes. Stay home, stay safe, and eat healthy.